इस घर से मैंने फ्लशिंग करके आज करीब 100 एम्ब्रियोज निकाले। आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए मैं अथैया हूँ, मैं बीबीएससी एमबीएससी पीएचडी हूँ और मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ। मैं 2004 में रिटायर हो गया था। मैंने यहाँ देहरादून उत्तराखंड में क्या कहते हैं एम्ब्रो ट्रांसफर यूनिट खोल रखी है। उसमें प्रशिक्षण देता हूँ एम्ब्रो ट्रांसफर का। यहाँ पे मेरे पास नासिक से आए हुए तो ये मेरे यहाँ 20 दिन से थे और एक मान बाप तो 8 महीने से थे, तो ये अपना अपना एम्ब्रो ट्रांसफर का अनुभव यहाँ का बताएंगे। नमस्कार सर, मैं विजय पड़कर, मैं संगली से हूँ। सर के पास मैं 15 दिन के पहले आया था एम्ब्रियो ट्रांसफर की ट्रेनिंग के लिए। हमने यहाँ पे खाली एम्ब्रियो ट्रांसफर की ट्रेनिंग ली थी, रिपीट ब्रीडिंग इसके ऊपर सब ट्रेनिंग हमने ली है। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर में हमने आज एक गाय से 100+ एम्ब्रियोज निकाले है और बाकी के जो है। हाँ, मैं भास्कर पड़ेकर, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। एम्ब्रियो ट्रांसफर का ट्रेनिंग लेने के लिए इधर देहरादून आया था और आज एम्ब्रियो निकाला, अच्छा निकाला गाय। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम अतुल कुमार है। मैं सर के पास करीबन 20 दिन से आया था। हमने एम्ब्रो आज गाय से एम्ब्रो निकाला, करीब हम 100+ में आज एम्ब्रो निकाला हमने। ये भविष्य में सबसे अच्छा, सबसे आगे ले जाने वाला मोटिवेशनल है। हम इस चीज से सहमत है कि पंजाब से गाय लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अब हम जैसी चाहे एक ही गाय से हम गिरलैंडो बना निकाल सकते हैं, एक ही गाय से हम थारपारकर बना सकते हैं, एक ही गाय से हम साहिवाल बना सकते हैं, होलस्टीन भी हम बना सकते हैं, 4 गाय भी ले सकते हैं, 10 गाय भी ले सकते हैं। नमस्ते सभी व्यूअर्स को। तो मैं यहाँ पे सर के पास नासिक से आया हूँ। यहाँ पे हम लोग एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। करीब मैं 1 साल से सर के साथ जुड़ा हुआ हूँ, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों वे में। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने यहाँ पे कई बार एम्ब्रियो ट्राई किया, तो आज हमारा फाइनली मतलब 100+ एम्ब्रियो आज हमने हार्वेस्ट किया एक एचएफ गाय से, जिसकी स्टार्टिंग अभी हम लोगों ने सुबह फ्लशिंग की थी और अभी दोपहर का वक्त है जब हमने मतलब पूरे एम्ब्रियो चेक किए। सो सर के अंडर पूरा मतलब हमारा ईटी फ्लशिंग आज हुआ था, जिसके अंदर 100+ से ज्यादा भी एम्ब्रियो निकल चुके हैं, जो अभी मतलब आपको नए अपडेट में पता चलेगा कितने। मैंने 15,000 के लिए और ये थोड़ा दूध दे रही थी, करीब 10 लीटर। इसमें मैंने FSH लगाया, PFSH, और इसमें से काफी सारे एम्ब्रियोस कलेक्ट किए। तो मैं एम्ब्रियो ट्रांसफर में ही वेटनेरियन को और वेटनरी इंसेमिनेटर को प्रशिक्षण देता हूँ। यदि आपका कोई इसमें ऐसा इंटरेस्ट हो तो आप लीजिए। इस गाय से मैंने फ्लशिंग करके आज करीब 100 एम्ब्रियोस निकाले, तो इसको ओपन सिस्टम में मैं रखता हूँ। ओपन सिस्टम में देखिए यह है कि इसमें ये लोहे के बार लगे हुए हैं, ये 5 फीट ऊंचे हैं और इसमें से वो निकाल के और ये चारा वगैरह खा लेती है। ये चारा खा लेती है, ये पानी का इंतजाम है। इसको मैंने फ्लोट वॉल से अटैच कर रखा है, तो जैसे ही पानी कम होता है तो इसमें पानी और आ जाता है। और इसके इसमें मैंने 300 स्क्वायर फीट में 3 एनिमल रख दिए। एक एनिमल यहाँ है और इधर शेड है, देखिए ये शेड है और आधा धूप में। तो और नीचे देखिए आप, इसमें भूसा डाल रखा है। गोबर उठाने की कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन बाद गोबर उठा लेते हैं। अभी तो मैंने भूसा रख रखा है, पर इसमें मैं अभी पुआल खरीद रहा हूँ, वो कुछ सस्ता आता है तो नीचे पुआल डाल दूंगा। तो मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, मनी जो है वो लेबर सेविंग को मनी कहते हैं। जितना आपने लेबर अपना बचा लिया और टाइम बचा लिया वही मनी है। तो मैं ये 15,000 की गाय लाया हूँ और ये प्रेग्नेंट कर लूंगा मैं, उसमें मेरा महारत है और फिर भी ये काफी अच्छा धन हो जाएगा। तो आप भी ये कर सकते हैं अगर वेटनेरियन, अगर इसमें आपको कोई सहायता चाहिए, अगर आप वेटनेरियन नहीं भी है, पशुपालक है, तब भी मुझसे। देखिए आप पंजाब से इस वक्त गाय नहीं ला सकते, क्योंकि नहीं ला सकते इसका मतलब यह है कि वो बहुत कॉस्टली होगी, 1.5-2 लाख के करीब। पर ऐसी गाय जो है अवेलेबल रहती है रिपीट ब्रीडिंग में, काफी सस्ती मिल जाती है और आप जो है उनसे जो उनको, अगर आप वेटनेरियन है या मेरे दिशा निर्देश के अनुसार चलेंगे तो वो प्रेग्नेंट भी रहती है, उसमें से एम्ब्रियो भी निकाल सकते हैं। देखिए बॉम्बे से काफी लोग आ रहे हैं मेरे यहाँ, क्योंकि बॉम्बे में नौकरी में ज्यादा पैसे नहीं मिलते हैं और इन लोगों के पास जमीन भी है, इनके घर की लेडीज दूध भी निकाल लेती है, मुर्गी पालन भी करती है, क्या कहते हैं बकरी पालन भी करते हैं, और दूध की तो डिमांड बढ़ती जा रही है। अभी दूध जो है 70 रुपए किलो है करीब, तो ये बढ़ता ही जाएगा। तो ये दूध और कपड़े धोने की इंडस्ट्री कभी खत्म नहीं होती है। रेडियो खत्म हो गया, टेलीविजन खत्म हो गए, फोटोग्राफी खत्म हो गई, पर बहुत सी चीजें हैं वो खत्म नहीं होती। जैसे ये जो है ये दूध का धंधा कभी नहीं रुकने वाला। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक अच्छी गाय ला के उसी की फोटो स्टेट कॉपी बना सकते हैं। इसमें हार्मोन लगते हैं, वो थोड़ा कॉस्टली है,
पर लोग हिम्मत कर रहे हैं और आ रहे हैं। आप आइए देहरादून में और आप इसमें प्रशिक्षण लेना चाहते हैं तो लीजिए, अगर आपकी रुचि है तो इसमें आपका रहना खाने का आपका इंतजाम रहेगा और हम करीब 25,000 रुपए चार्ज करते हैं। कितने दिन रहिए आप? 10 दिन 20 दिन? महीना एक सज्जन तो हमारे 8 महीने से तो उन्होंने पूरा सीख लिया, आज 100 एम्ब्रियो भी निकाले। अगर एक एम्ब्रियो की कीमत आप 5-6 हजार भी रखिए तो 100 एम्ब्रियो की आप सोच लीजिए कितनी होगी, 5 लाख हो गए। एक गाय जो है वो हर 45 दिन पे आपको एम्ब्रियो दे सकती है और जैसे आज हमारे 100 निकले और 20 का एवरेज भी आ गया तो आप जो है 10 लाख रुपए के एम्ब्रियो हर महीने में निकाल सकते हैं। इसको एम्ब्रियो को पहले फ्रीज करना पड़ता था पर अभी विट्रिफिकेशन टेक्निक आ गई है तो उससे काफ़ी सस्ते में ये प्रिजर्व हो जाते हैं। अगर आप इधर प्रिजर्व नहीं करते तो ये क्या कहते हैं, आप इनको 6-7 दिन तक यूज़ कर सकते हैं और जो अनप्रिजर्व एम्ब्रियो है उसमें कंसेप्शन रेट जो है वो 80% होता है और जो वैसे एम्ब्रियो है उसमें 40% होता है। तो इसके बारे में आपको मुझसे जो भी पूछना है आप पूछिए, यही भविष्य की वो है और इसी से ही भारत का वो होगा, क्योंकि अगर आप इसमें सेक्स वो डाल देते हैं सीमेन तो आपको के बच्चे ही बच्चियाँ पैदा हो जाएंगी। तो आप एक ही जानवर अच्छे जानवर की फोटोस्टेट कॉपी करके कई जानवर बना सकते हैं। तो ये वेटेरियंस के लिए और बायोलॉजिस्ट के लिए और डीएनए टेक्नोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही अच्छी टेक्निक है, क्योंकि डीएनए टेक्नोलॉजी में भी आप ट्रांसजेनिक बना रहे हैं, क्लोन एनिमल बना रहे हैं या मतलब जीनोमिक्स बना रहे हैं तो सब में एम्ब्रियो ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है। हम लोग FSH से इसको निकालते हैं, लोग बहुत से उससे भी करते हैं कि ओवरी से इनविट्रो फर्टिलाइजेशन करके निकालते हैं, पर हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन का है। इसके बारे में आपको जो भी पूछना हो, ये देखिए ओपन सिस्टम में मैंने गाय रख रखी है। ये गाय मैं लाया हूँ, काफी सस्ती लाया हूँ, 15,000 में ले आया हूँ। ये रिपीट ब्रीडर थी और इसमें देखिए इधर पानी का सिस्टम रखा हुआ है और ये जो है रोड वॉल्स अटैच्ड है ओपन में, ये गाय रखी हुई है। ये गाय के लिए इधर इधर शेड भी है, इधर की तरफ देखिए शेड है और इधर वो है और मैं इसे गोबर उठाने का भी झंझट नहीं करता हूँ। नीचे जैसे आप देख रहे हैं इसमें गोबर भूसा डाल रखा है मैंने, तो उसमें ये अपने घूमती रहती है। इसमें मैंने 100 स्क्वायर फीट में 3 गाय रख रखी हैं। ये वो बना रखा है क्योंकि लोहे का, क्योंकि मेरी ये किराए की जमीन है तो जब मैं जाऊँगा तो इसको उखाड़ ले जाऊंगा। ये इसका ड्रम का काट के मैंने ये बना दिया है और ये पानी का सिस्टम है, ये जो है उससे उसमें बॉल लगा दिए एक जगह तो अपने आप पानी आता रहता है। तो इसमें मैं 3 गाय रखता हूँ। ये मैंने एम्ब्रियो ट्रांसफर में यूज किया है आज गाय को और इसमें काफी एम्ब्रियो निकाले हैं, करीब 100 एम्ब्रियो इसने मुझको दिए हैं। तो ये बहुत कॉस्टली गाय होगी। तो देखिए मैं वेटेरियन को यही बता रहा हूँ कि 15,000 से आप 15 लाख भी कमा सकते हैं और इसमें मैं ट्रेनिंग देता हूँ। देखिए ऐसे ऐसे इसी में दूसरी गाय भी है, इसमें 3 गाय है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि सेविंग टाइम एंड लेबर इज मनी। आपने सुना, धन्यवाद। मेरा नंबर 8979748686 है। धन्यवाद।